नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपेटाइट के बारे में, या हिंदी में भूख न लगना, या आज के दौर में एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी में यह समस्या बहुत आयात रूप में आजकल देखी जाती है। जब किसी व्यक्ति को भूख न लगने की शिकायत होती है तो वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कई डॉक्टर बिना कारण जाने, बिना डायग्नोज किए सीधा लीवर का टॉनिक या भूख बढ़ाने का कोई भी टॉनिक, एंजाइम का टॉनिक वगैरह पकड़ा देते हैं। लेकिन जब तक हम कारण को डायग्नोज नहीं करेंगे, उसके कारणों को नहीं जानेंगे, तब तक समस्या है वो दूर नहीं होगी और हमारी भूख नहीं बढ़ेगी। आइए जानते हैं सबसे पहले एनोरेक्सिया या लॉस ऑफ एपेटाइट के कारणों के बारे में। तो इसके कुछ सामान्य कारण होते हैं और कुछ असामान्य कारण, मेडिकल कारण भी होते हैं। सामान्य कारण में यदि कोई व्यक्ति 50 साल से अधिक उम्र का है और बहुत ही लेजी लाइफ स्टाइल जीता है, फिजिकल वर्क कम करता है, तो ऐसे लोगों को भूख कम लगता है। खाना टाइम में नहीं खाना, बाहर की चीज़ें अधिक खाना, चाय या कॉफ़ी अधिक पीना, नशे का सेवन करना, एल्कोहल आदि का सेवन अधिक करना, तो इन कारणों की वजह से भी भूख कम लगता है। तो यह एक सामान्य कारण है। अब जानते हैं इसके असामान्य कारण या मेडिकल कारणों के बारे में। इसके मेडिकल कारणों में सबसे पहला जो है वर्म इन्फेस्टेशन या पेट में कृमि का होना, जिसकी वजह से भी भूख कम लगता है। एनीमिया या खून का कम होना, पेट या आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, जैसे कि जीआरडीएसिस, एमीबीएसिस, टाइफाइड वगैरह इत्यादि के कारणों से भी भूख कम लगता है। बुखार होना, किसी भी कारण से हमारे शरीर में बुखार हो तो उसकी वजह से भी भूख कम लगता है। लीवर की बीमारी जैसे कि हिपेटाइटिस, जॉइंटिस आदि की कंडीशन में भी भूख कम लगता है। आहार नाल में यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कि एसिडिटी, गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लैक्स डिसीज, गैस्ट्राइटिस, एसोफेगाइटिस, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर इत्यादि कारणों से भी भूख न लगने की समस्या होती है, तो इन कारणों को डायग्नोज करके इसका उचित ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर ऑटोमेटिक जो भूख न लगने की समस्या दूर हो जाएगी। यदि किसी को शुगर हो तो उसके वजह से भी भूख कम लगता है। शुगर में शुरुआत के समय में भूख अधिक लगता है, लेकिन जब शुगर की बीमारी पुरानी हो जाती है तो उसमें भी भूख कम लगता है। यदि किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या हो, भूख कम लग रहा हो, साथ में वजन कम हो रहा हो, साथ में शाम को बुखार हो और यदि खांसी वगैरह भी हो, तो ट्यूबरक्लोसिस का कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से भी भूख कम लगता है, तो इसका निदान कर इसका उपचार करने के बाद ही जो लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या वो ठीक होगी। यदि किसी को गैस की समस्या हो, पाचन ढंग से ना हो रहा हो, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, लेट्रिन ढंग से साफ ना हो रहा हो, तो इसकी वजह से भी भूख कम लगता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि की शिकायत यदि किसी व्यक्ति को हो तो उसके वजह से भी खाने का मन नहीं करता, भूख कम लगता है। सामान्य कारणों में यदि कोई बीमारी नहीं है तो ऐसे में भूख कैसे बढ़ाया जाए, लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या कैसे ठीक किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को जो अपना खाने का एक टाइम सेट करना चाहिए, जैसे कि सवेरे 8 बजे या 9 बजे आप नाश्ता करते हैं तो उसी समय में नाश्ता करिए, 1 बजे या 2 बजे जैसे भी आप लंच करते हैं तो उसी समय में ही लंच करिए, उसके बाद रात में 8 या 9 बजे डिनर करते हैं तो उस समय में या आधे घंटे के आसपास में आप अपना जो डिनर है वो कंप्लीट कर लीजिए। बीच बीच में किसी को बाहर की चीज़ें खाने की आदत होती है, बिस्किट या मिक्सचर या चाट गुप्त, कोई भी ऐसा फास्ट फूड खाने की आदत हो तो इस चीज़ों को आप अवॉइड करें, इसको स्किप करें, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी जो भूख बढ़ने लगेगी। यदि आप बहुत अत्यधिक चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो उसको कम करें, किसी प्रकार का यदि नशे का सेवन करते हैं तो उसको भी कम करें या हो सके तो बंद करें, तो इन सब उपायों से जो सामान्य कारण में भूख ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, किसी प्रकार की दवाई या टॉनिक की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद जो मेडिकल कारण है उसमें आपको मरीज का हिस्ट्री लेकर, उसका साइन एंड सिम्टम देखकर और कुछ जांच के द्वारा आप उसकी बीमारी का पता लगा सकते हैं, और बीमारी का पता लगाकर आप उस बीमारी को पहले ट्रीट कीजिए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक जो है भूख बढ़ जाएगी। यदि किसी को लीवर की समस्या है जैसे कि जॉइंटिस या हिपेटाइटिस की समस्या, तो उस कंडीशन में कोई भी अच्छा सा लीवर टॉनिक जैसे लीव 52, रुद्रा लीव इत्यादि दे सकते हैं। यदि किसी को कृमि की शिकायत है तो कृमि को मारने के लिए एल्बेंडाजोल की टेबलेट दे सकते हैं। किसी को यदि एनीमिया की शिकायत है तो फिर उसके लिए आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 कॉम्बिनेशन वाली टॉनिक जैसे कि डेक्सोरेंज, आर्बिटोन वगैरह दे सकते हैं। यदि किसी को एसिडिटी की शिकायत है तो उसके लिए एसिलाप या कैप्सूलों में प्रजोल टेबलेट पेंटाप्राजोल वगैरह दे सकते हैं। किसी को कब्ज की शिकायत है तो उसके लिए फिर क्रीमाफिन सिरप, डलकोलेक्स टेबलेट इत्यादि दे सकते हैं। यदि किसी को पेट या आँख में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो फिर उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि ओफ्लॉक्सिसिन और इंड्राजोल की कॉम्बिनेशन वाली टेबलेट आती है उसको आप दे सकते हैं, जैसे O2 नाम से, जेनफ्लॉक्स OZ नाम से आती है, मेडिकल स्टोर्स में मिलती है, वो आप दे सकते हैं। यदि किसी को अल्सर की शिकायत हो, एसोफेगाइटिस की शिकायत हो तो उसके लिए ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल इत्यादि 1.5 से 2 माह तक लंबे समय तक चलाना होता है जिससे समस्या ठीक हो जाती है। किसी को बुखार है तो फिर बुखार का उपचार करें, टेबलेट पैरासीटामॉल वगैरह दे सकते हैं, साथ में कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। यदि टाइफाइड वगैरह हो तो फिर टाइफाइड के लिए लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स चलाना होता है। इसके अलावा यदि किसी को टीबी की शिकायत हो तो उसे किसी अच्छे से जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उसके पास भेजकर उसका इलाज करवाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।